समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। देश के संविधान के खिलाफ अब मध्य प्रदेश में बुलडोजर नहीं चलेगा, चलेगा देश का कानून, यह कहना है राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा का। जबलपुर में मुस्लिम जनप्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा से मुलाकात कर एमपी यूपी सहित भाजपा शासित राज्यों में सरकारों की मुस्लिम विरोधी नीतियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने आग्रह किया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं मौजूदा विधायक लखन घनघोरिया सहित अन्य लोगों ने राज्यसभा सांसद तनखा को सरकार की दमनकारी नीतियों और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई से देश में नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है, कोई पैगंबर इस्लाम के खिलाफ आग उगल रहा है तो कहीं आरोपी साबित होने से पहले ही सरकारी बुलडोजर लोगों के घरों को तहस नहस कर रहा है। जनप्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद एवं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा ने कहा कि पीड़ितों की आवाज वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अब तक उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। वही तनखा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों के बुलडोजर एक्शन पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका की सुनवाई में तल्ख टिप्पणी की है कि देश बुलडोजर से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। वरिष्ठ कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने बुलडोजर एक्शन के जरिए केंद्र और मध्य प्रदेश यूपी की भाजपा शासित राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा कि उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन के जरिए भाजपा की सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है। विवेक तनखा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि देश में सिर्फ कानून और संविधान का राज होगा, न कि बुलडोजर न्याय चलेगा। ज्ञापन है इसलिए कि इस देश में संविधान का राज रहेगा, बुलडोजर का राज नहीं रहेगा। जबकि वो कायदे थे उसके यहाँ जाना भी नहीं था। जबलपुर के नागरिकों ने जो एक ज्ञापन दिया है, लखन भाई भी साथ में हैं और बहुत सारे वरिष्ठ लोग साथ में हैं और सबने एक ही चिंता जाहिर की है कि जो बुलडोजर का राज चल रहा है इसको समाप्त कैसे किया जाए। बल्कि कल रात को ये लोग मुझे मिले थे तो मैंने कहा कल तक रुक जाओ, सुप्रीम कोर्ट में आज मैटर है। और जैसे न्यूज़ अभी सुप्रीम कोर्ट से आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देश में बुलडोजर का राज नहीं संविधान का राज रहेगा। और मैं आज आश्वस्त करता हूँ कि कोर्ट कचहरी असंवैधानिक जो कार्रवाई हो रही है उस पर अंकुश लगाएंगी और जबलपुर के तरफ से और मध्य प्रदेश में जो बुलडोजर राज गलत हुआ है और जिन लोगों के साथ ये पीड़ा हुई है वो जब हमारे पास आएंगे तो उनके तरफ से भी हम सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन या पिटीशन फाइल करेंगे। ठीक, तनखा जी के पास हम लोग इस आग्रह के साथ आए हैं कि सदन में तो पूरी आम जनमानस की बात उठती है और जो वर्तमान परिवेश है जिसमें नफरत की राजनीति सत्ताधारी पार्टी बिल्कुल बिल्कुल प्रमुखता से कर रही है। बुलडोजर एक दुर्भावना बस एक वर्ग के घरों पर चलाए जाते हैं या ऐसे बर्तन कहे जाते कि जिससे नफरत पैदा हो। एक आग्रह पूरे शहर के समस्त नागरिकों की ओर से था कि माननीय तनखा जी इसको सुप्रीम कोर्ट में भी उठाएं, देश में संविधान का राज रहे बुलडोजर का नहीं, जैसा माननीय तनखा जी का वर्तन है। और ये जबलपुर अकेले के नहीं पूरे मध्य प्रदेश की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, इसके लिए आज तनखा जी से हम लोगों ने आग्रह किया है। आज राज्यसभा सदस्य अली जनाब विवेक कृष्ण तनखा साहब जी से ज्ञापन सौंपने के लिए एक मुस्लिम का एक प्रतिनिधि मंडल आज आया था। उसका विषय था कि छतरपुर के अंदर जिस तरीके से देश के संविधान कानून को ताक में रखकर भारतीय जनता पार्टी के राज में और वहां का जिला प्रशासन हो और प्रशासन पूरी तरीके से कानून में ताक कर रखकर जो मकानों को जो तोड़ने की हरकतें की हैं, ऐसे दोषी अधिकारियों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाने के लिए। और आज राज्यसभा सदस्य इसके साथ प्रतिमंडल में पूर्व मंत्री बड़े भाई विधायक लखन घनघोरिया जी, हमारे मुफ्ती आजम हिंद मुशाहिद मियाँ साहब, हाजी कदीर सोनी साहब, भाई दिनेश यादव जी और हमारे बस्ती के सैकड़ों नौजवान पार्षद और नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सौरभ शर्मा जी, भाई अमरीश मिश्रा जी,
ऐसे हिंदू मुस्लिम सभी लोग आके आज ज्ञापन सौंपे हैं और इस बात की मांग किए हैं जिस तरीके से देश हमारा जब भी तरक्की कर सकता है जब हमारा देश का संविधान जिंदा रहेगा। जिस देश में संविधान खत्म हो जाता है समझ लो वो देश खत्म हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी आज़ादी की लड़ाई के समय भी देश के वफादार नहीं रहे, आज देश आज़ाद होने के बाद भी सत्ता आने के बाद और देश के दुश्मन बनकर बैठे हुए हैं, ये देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। देश को लोकतंत्र बचाने के लिए आज पूरा प्रतिनिधिमंडल आके मिला है और उन्होंने मांग किया और हमारे तनखा साहब जी ने बोला है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में हो और तुम्हारे ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाकर हम पिटीशन लगाएंगे और जितने भी अधिकारी हैं उनको सख्त से सख्त और सदर का भी हमारे जबलपुर का जो मामला था जिस तरीके से एक मुस्लिम समाज के लोगों को खुलेआम मंच पे लगाकर और खुलेआम रैली में स्पीकर में गालियां जो बकी हैं उसके विरुद्ध जितने भी लोग हैं उनको बस सख्त से सख्त कार्रवाई करके जेल कर पहुँचाने का काम करें, नहीं तो पूरा मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरेगा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, फिर हम लोग को कोई रोक नहीं पाएगा। ये थी आज की खबरें और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।